हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ई ट्रेडिंग के विरोध में आढ़ती एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदेश को 135 अनाज मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आढ़त फिक्स करने और आज से धान खरीद शुरू करने की भी मांग की है। हालांकि अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। तो ई ट्रेडिंग के विरोध में यहां पर हड़ताल कर रहे हैं आढ़ती। आढ़त फिक्स करने की मांग पहली मांग है और दूसरी मांग कि धान की खरीद आज से शुरू की जाए। तो हरियाणा में आढ़तियों की मांग लगातार दो दिनों से जारी है। कल ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती, प्रशासन और सरकार इनकी मांगों पर संज्ञान नहीं ले लेता, तब तक ये आढ़ती यूं ही हड़ताल करते रहेंगे। और आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। 135 मंडियां ऐसी हैं जहां पर ये आढ़ती धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं आढ़ती, और ई ट्रेडिंग के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। 135 मंडियों में ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त जारी है। धान की खरीद आज से शुरू करने की मांग को लेकर आढ़ती धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात कह रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो आने वाले समय में और भी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। तो आज हड़ताल का दूसरा दिन है और 135 मंडियों में आढ़तियों की यह हड़ताल जारी है। पूरे हरियाणा प्रदेश में इस वक्त आढ़ती इन्हीं दो मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। आढ़त फिक्स करने की पहली मांग और दूसरी मांग है कि धान की खरीद आज से शुरू हो। हमारी मेन मांग है सीमांत किसानों की फसल हरियाणा में आनी चाहिए। दूसरी हमारी है जिमीदार के डिमांड के साथ, जैसे जिमीदार कहेगा कि मेरे खाते में पेमेंट डाली जाए तो जिमीदार के खाते में डाली जाए, आढ़ती के थ्रू से मांगता है तो आढ़ती के थ्रू दी जाए। तीसरी हमारी जो 2.5% आढ़त है उसमें जो कुछ कट कर आने लग गया है, हमारे को 2.5% पूरी आढ़त दी जाए। हमारी मुख्य तीन मांगे हैं, बाकी और मांगे हैं वो एक स्टेट के मुताबिक चल रही हैं, परंतु हमारी तीन मांगे सारे हरियाणा की मुख्य हैं। ये जैसे भी कोई वार्तालाप होएगा सरकार के साथ उसके बारे सोचा जाएगा, अभी तो जारी है स्ट्राइक, आज पहला ही दिन है। हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी है हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन की, उसकी आह्वान पर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी जो मुख्य तीन मांगे हैं, एक तो हमारी जो 2.5% की आढ़त है वो पूरी दी जाए सरकारी खरीद पर, और जो सीमांत हरियाणा के साथ अम्बाला के साथ 1.5 किलोमीटर पर पंजाब है, सीमांत किसान को आने की इच्छा जो 50 साल से हमारे साथ व्यापार में जुड़ा हुआ था उसको आने की परमिशन दी जाए। और जो साथ में हमारी जो पोर्टल लगाया सरकार ने ब्रिक माल पे, उसकी हमारी वो पोर्टल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले सरकार दावा करती थी कि जो MSP है वो सरकार केंद्रीय सरकार की तरफ से पोर्टल आया हुआ है। अभी हमें साफ आशंका सरकार की लग रही है कि पोर्टल केंद्रीय सरकार का ना होकर राज्य सरकार का ही हमारे पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। जो हमारी स्टेट कार्यकारिणी है उसके फैसले के हिसाब से हम अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जो आगे कार्यकारिणी हमें आदेश देगी हम उसके साथ साथ पूरे सहयोग करेंगे।